Good morning, students. Welcome in the last lecture of the chapter of powders. We are discussing the chapter powders. In the last lecture, we are discussing cathets. I hope you haven't seen cathets so far. All I think a few students may have seen cathets so far. What are cathets? You have seen tablets, capsules, pills, very common soluble form. What are cathets? These are also soluble form. What is the definition of cathets? Solid unit dosage form of medicament in which drug is enclosed in tasteless sheet made by pouring a mixture of rice flour and water between two hot polished cylinders. क्या है इसकी डेफिनेशन, आप आपको इसको अंडरस्टैंड करिए कि कैथेट्स क्या होते हैं. ये भी टैबलेट और कैप्सूल की तरह होते हैं, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म. यानी आप पेशेंट को ये भी सिंगल कैथेट डिस्पेंस कर सकते हैं. और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जैसे आप लोगों ने वेफर्स खाए होंगे कि वेफर्स की जो लेयर होती है वो राइस फ्लोर यानी चावल के आटे को पानी के अंदर डिजॉल्व करके उसकी लेयर्स बनी होती है और उसके अंदर क्रीम जो है वो डाली गई होती है, वो एडिबल होते हैं. ठीक है, खाने आप खाते हैं को. उसी तरीके से जो कैथेट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, चावल का आटा यानी राइस फ्लोर उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके उसका जो सुशन होता है हॉट सुशन उसको हम सिलेंडर्स के ऊपर हॉट पॉलिश सिलेंडर्स के ऊपर से गिराते हैं. ठीक है, और वहाँ पे क्या बनता है, पतली पतली लेयर्स बनती हैं जो वेफर्स की तरह, जैसे वेफर होते हैं आपने खाए वेफर बिस्किट्स, उसी तरीके से पतली लेयर जो है राइस फ्लोर इन वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसकी बनती है और उनके अंदर हम जो है उनको ड्राई करके उनके अंदर हम ड्रग को डिस्पेंस करते हैं. क्लियर? तो ये भी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है. जो कैसे बनते हैं, सोल्यूशन ऑफ राइस फ्लोर इन वाटर और उसको आपने पोर किस पे करना है, जैसे कैप्सूल्स में था सॉफ्ट जेल कैप्सूल में, उसी तरीके से हॉट पॉलिश सिलेंडर जो होते हैं उनके ऊपर आपने पोर करना है. दो सिलेंडर जैसे मूव करेगा तो दो लेयर्स आएंगी और जो ड्राई हो जाएंगे उनके अंदर आपने ड्रग को जो है उसके अंदर क्लोज कर देना है. अब ये मिश्रण होता है, बनता है, आप जानते ही हैं कि जो राइस फ्लोर है चावल का आटा वो टेस्टलेस होगा, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होगा. बट इसके अंदर आप बिटर नॉशियस एडिक एसिड जो मेडिसिन होती है इनको आप डिस्पेंस कर सकते हैं. और जो कैप्सूल्स का इनका कैथेट्स का जो दूसरा नाम है वो है वेफर कैप्सूल, इनको वेफर कैप्सूल भी बोला जाता है और कैप्सुला अमालुसिया ये भी बोला जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट फिलअप है जो आपके पेपर में आता है. अब इनका ट्रेंड क्यों है, देखिए अगर आप टैबलेट और कैप्सूल से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसके कुछ रीज़न है मैं अभी आपको बताऊंगी. बट इनका जो ये बनते हैं क्यों बनते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो ड्रग की डोज है बहुत लार्ज अमाउंट में होती है तो बहुत ज़्यादा टैबलेट्स बहुत ज़्यादा कैप्सूल्स उनको डिस्पेंस करने में आपको प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को देने में दिक्कत आती है कि पेशेंट को आप इतनी टैबलेट्स में इतनी कैप्सूल्स एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. तो ये जो आपके कैथेट्स होते हैं इनमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हो, 0.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक ड्रग जो है एट ए टाइम आप डिस्पेंस कर सकते हो. और कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रग्स की, जैसे सोडियम अमाइनोसैलिसिलेट, ये जो ड्रग है ये ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट को दी जाती है और इसके जो डोज होती है डेली 12 ग्राम होती है. तो इसके कैथेट्स की फॉर्म में डिस्पेंस करके इसको हम पेशेंट को देते हैं, कैथेट्स बनाए जाते हैं इसके और पेशेंट्स को कैथेट्स लेने में थोड़ी कन्वीनियंस रहती है. अब जो कैथेट्स हैं पेशेंट ने लेने कैसे होते हैं, हमेशा क्योंकि ये आपके राइस फ्लोर होगा आपने रेफरेंस भी खाए हैं वो थोड़े गड़त टाइप होते हैं फॉर्म होते हैं तो ऐसे पेशेंट अगर लेगा तो फैलो करने में दिक्कत आएगी. तो कैथेट्स कैसे लिए जाते हैं, पहले उनको कुछ सेकेंड्स के लिए वाटर में आपने इमर्स करके रखना है, डिप करके रखना है. जैसे वो सॉफ्ट होता है पेशेंट ने अपने टंग के ऊपर रखना है, वाटर स्वेलो विद अ ड्रॉट ऑफ वाटर, पानी के ग्लास के साथ आपने उसको पी लेना है. ठीक है, उसको स्वेलो कर लेना है, पानी के ग्लास में मुंह लेना है और साथ में स्वेलो कर लेना है. तो जब वो स्वेलो किए जाते हैं तब वो सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं तो पेशेंट
को लेने में दिक्कत नहीं आती है और टेस्ट वगैरह कोई भी नहीं होता है उस ड्रग का। अब ये जो कैप्चर्स हैं इनके कुछ एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू प्रिपेयर। अगर हम टैबलेट वगैरह से प्रिपेयर करिए तो ये बनाने में आसान होते हैं। अब आपने फर्स्ट ईयर में टैबलेट का चैप्टर पढ़ा तो देखिए उसमें कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आपने पढ़ी है डिटेल में, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आपको नहीं चाहिए। सेकेंड क्या है कि ड्रग्स जो है एक्सटेम्पोरेनियस यानी लार्ज स्केल के ऊपर लैब स्केल के ऊपर ये बड़ी फास्ट बन जाते हैं, क्विकली आप इनको ड्रग को कैप्सूल के फॉर्म में डिस्पेंस कर सकते हो। थर्ड है कि लार्ज डोजेज, जो भी मैंने बताया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दी कि ड्रग की अगर डोज बहुत लार्ज है तो भी आप उन ड्रग्स को कैप्सूल के फॉर्म में डिस्पेंस कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है कि है क्या ये राइस फ्लोर, तो ईजिली आपके स्टमक में जाकर डिसिपिकेट हो जाएगी शीट और ड्रग जो है आपके स्टमक में ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी गैस्ट्रिक फ्लूइड्स के अंदर। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब हैं डिसएडवांटेजेस। पहली चीज, ईजिली डैमेज हो जाते हैं, स्टैंड कम होती है शीट की तो ईजिली ये डैमेज हो जाते हैं। सेकेंड क्या है, डू नॉट प्रोटेक्ट एनक्लोज ड्रग फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। ये जो आपके अंदर ड्रग लगी होती है उसको ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते ना लाइट से ना मॉइस्चर से, क्योंकि ये खुद ही राइस के बने होते हैं। थर्ड है रिक्वायर मॉइस्चरिंग बिफोर स्वेलिंग। इनको आप एज सच भी नहीं खा सकते, पहले कुछ सेकंड्स के लिए इनको मॉइस्ट करना पड़ेगा फिर ही आप इसको स्वेल कर सकते हैं। उसके बाद ये है कवर मोर स्पेस, साइज बड़ा होता है स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल, क्योंकि टैबलेट बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है फ्रजाइल नेचर ऑफ शेल्स। अब देखिए आप नॉर्मल वेफर को भी जोर से दबाएंगे तो क्रैक हो जाता है, इनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्रजाइल नेचर के होते हैं इसलिए इनके ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाई प्रेशर आप उनके ऊपर एग्जर्ट नहीं कर सकते और कैन नॉट बी फील्ड बाई लार्ज स्केल मशीनरी, मतलब इंडस्ट्री लेवल में कैटेक्स कॉमन नहीं है, ये सिर्फ लैब स्केल के ऊपर या स्मॉल स्केल के ऊपर ही कॉमन है क्योंकि इनको लार्ज स्केल मशीनरी में नहीं बनाया जा सकता। ये है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आता है आपका टाइप ऑफ कैकेट्स। कैकेट्स कितनी टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जब आपने ये टॉपिक स्पेशली पढ़ना है बुक अपने पास रखिए, मैंने बोर्ड पे डायग्राम नहीं बनाए हैं तो बुक में डायग्राम दिए गए हैं कैसे ये मशीन जो है ऑपरेट करनी है। तो फर्स्ट है आपके वेट सील कैकेट्स, नाम से समझ में आ रहा आपको वेट सील कैकेट यानी इन कैकेट्स को सील करने के लिए उनको गीला किया गया है, वेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर उनको सील किया गया है। अब ये जो मशीन होती है इसका डायग्राम आपको बुक में दिया गया है, ऐसा जो डायग्राम आपको बनाना है। बुक के डायग्राम से आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगी जैसे आपके कैप्सूल की मशीन है उसके बारे में पढ़ाया, ठीक है। अब इस मशीन में क्या होती है, तीन प्लेट्स होती है मेटल की और तीनों में एक जैसे होल होते हैं, एग्जैक्टली आप इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सेंटर वाली प्लेट लेनी है। जो वेट सील कैकेट्स होते हैं इनकी क्या खासियत होती है, ये देखिए ऐसे होते हैं ये, इनका अपर और लोअर डायमीटर एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर लोअर हाफ कह सकते हैं आप, अपर हाफ लोअर हाफ, जैसे कैप्सूल में क्या पढ़ा था आपने बॉडी एंड कैप, बॉडी के अंदर आप क्या करते थे पाउडर को फिल करते थे, आपने प्रैक्टिकल में किया है, और कैप से ऊपर से आप उसको बंद कर देते थे। यहाँ पे क्या है, लोअर हाफ अपर हाफ, लोअर हाफ में आपने ड्रग को क्लोज करना है उसमें फिल करना है, अपर हाफ को उसको आपने क्लोज कर देना है। तो आप क्या करते हैं जो सेंटर वाली प्लेट होती है उसको लेते हैं और लोअर हाफ को उसके अंदर सेट कर लेते हैं। सेंटर वाली प्लेट में कितने होल होते हैं, मान लो 30 होल्स है तो 30 लोअर हाफ आपको उसके अंदर एडजस्ट कर देना। अब उसके ऊपर सेकेंड प्लेट रखी जाती है, सेकेंड प्लेट क्यों रखी जाती है, उसके एजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़े फ्रजाइल होते हैं तो ड्यूरिंग फिलिंग इनके एजेस के टूटने का डर रहता है, आप उसको ऊपर एक सेकेंड प्लेट रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो पाउडर होता है उसके फिलिंग स्टार्ट करते हैं, इनके लोअर हाफ के अंदर आपने फिलिंग
फिलिंग स्टार्ट कर दी, फिलिंग हो गई। फिलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ मेटल थिम्बल और प्लंजर, उससे फिलिंग हो जाती है। फनल्स होते हैं, फनल से फिलिंग हो जाती है, और ये मेटल थिम्बल या प्लंजर वो पाउडर को नीचे करता रहता है और प्रॉपर फिलिंग हो जाती है। जितनी अमाउंट मान लो आप 1 ग्राम बननी है तो 1 ग्राम उसके अंदर फिल हो जाती है। अब क्या करना है आपने, अब जो एक प्लेट आपकी बची है थर्ड प्लेट, उसमें अपर हाफ लगा देना है। ठीक है, मान लो 30 थे, 30 अपर हाफ उसमें अगर आपने सेट कर ले रही हूँ। रोलर होता है इस मशीन के अंदर जो क्या करता है, अपर हाफ का जो लोअर एज होता है उसके ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करता है ताकि वो जो एज है किनारे हैं हल्के से गीले हो जाए। बने किसके होते हैं, चावल के आटे के, आपने हम कैसे दिखे उसके किनारे कर दिए। अब इस थर्ड प्लेट को आपने लाइट प्रेशर के साथ जो पहले आपने सेंटर प्लेट है उसके ऊपर एडजस्ट कर देना, सेकंड प्लेट निकालने दी है नीचे से और सेंटर प्लेट के ऊपर एडजस्ट कर देना। क्या होगा, हल्का सा अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपर हाफ जो है वो लोअर हाफ के ऊपर सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने उनको वाटर स्प्रिंकल करके थोड़ा सा गीला कर दिया था तो वो अपने आप सील हो जाएंगे। ये है आपका मेथड जो कैटलेट्स को बनाने का, कि पहले सेंटर प्लेट में आपने लोअर हाफ एडजस्ट किए, ठीक है, उसके ऊपर सेकंड प्लेट रख के उसके एडजस्ट को प्रोटेक्ट किया, फिर आपने फनल के साथ पाउडर फिल किया मेटल टिम्बल और जब प्लंजर से आप उस पाउडर को नीचे करके पूरा एडजस्ट किया, प्रॉपर वेट उसके अंदर फिल किया, और फिर आपने क्या किया कि दो एक थर्ड प्लेट लेके उसमें अपर हाफ दो थे कैटलेट के वो लगाए और उसको रोलर से हल्का हल्का मॉइस्ट किया, ठीक है, वाटर स्प्रिंकल करके एडजस्ट को हल्का हल्का मॉइस्ट किया। उस प्लेट को आपने सेंटर प्लेट के ऊपर सेट कर दिया, जो पहले सेकंड प्लेट थी उसको निकाल दिया। क्या देखेंगे आपके दोनों जो है एडजस्ट ज्वाइन हो गए, आपके कैटलेट सील हो गए। फिर हल्के प्रेशर के साथ आप इन कैचेस को नीचे कलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा इनको प्रॉपर वे में इनको पैक करना है। ये है आपका मेथड वेट सील कैचेट बनाने का। अब है ड्राई सील कैचेट। ड्राई सील कैचेट की क्या खासियत होती है, इनका जो लोअर हाफ होता है उसका डायमीटर अपर हाफ से थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मल बॉक्सेस की तरह होते हैं, कि लिड जो होती है थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। इनमें क्या होता है कि लोअर आपका हाफ उसमें आपने ड्रग को फिल करना है और अपर हाफ सीधा उसके ऊपर सेट कर लेना है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है, और दोनों से उस साइड से ऊपर और नीचे पकड़ने के लिए प्रोजेक्शन बनी हुई है। जैसे कैप्सूल अलग अलग साइजेस के अवेलेबल हैं, उसी तरीके से ये ड्राई सील कैचेट्स भी मार्केट में अलग अलग साइजेस के अलग अलग कैपेसिटी के अवेलेबल हैं। तो उसकी मशीन बहुत सिंपल होती है, एक प्लेट में आपने लोअर हाफ हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस इनको सेट करना ज़्यादा इजी होता है, और फिर इस हाफ में आपने पाउडर को फिल कर देना है और दूसरी प्लेट में आपने अपर हाफ लगा देने हैं, ठीक है, उसको सेट कर देना है, फिर उस प्लेट को आपने लोअर हाफ वाली प्लेट के ऊपर रखना है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो इजीली वो लिड की तरह एक ढक्कन की तरह उसके ऊपर सेट हो जाएगी और क्लोज हो जाएंगे आपके कैबिनेट्स। ठीक है, तो ये है आपके ड्राई सील कैबिनेट्स। ये दो प्लेटें, एक प्लेट में लोअर हाफ उसमें पाउडर की फिलिंग कर ली और अब दूसरी प्लेट में अपर हाफ उसको उसके ऊपर सेट किया, हल्का सा प्रेस किया तो अपने आप सील हो गए। ठीक है, और आपका जो मटीरियल अंदर फिल किया हुआ था वो गिरने का डर नहीं रहता है, कोई स्पिलिंग नहीं होती है। अब इनकी जो पैकिंग होती है मोस्टली हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस में इनको रखते हैं, इवन कॉटन भी कई बार स्प्रेड करके इन जो कार्डबोर्ड बॉक्स में उसमें पार्टीशन भी रखी जाती है और टिन के अंदर पैक किए जाते हैं, और इवन उनके अंदर कॉटन भी थोड़ा स्प्रेड किया जाता है क्योंकि ये फ्रजाइल चीज़ें होते हैं, क्रैक होने का डर रहता है। और इनके साथ डायरेक्शन का लिखनी बहुत जरूरी होती है, दैट इज इमर्स इन वाटर फॉर ए टू सेकंड्स एंड स्वेलो विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कोई भी पेशेंट डायरेक्टली कैचेस को ना ले, पहले वो कुछ सेकंड्स के लिए वाटर के अंदर जो है इमर्स करे, उसको सॉफ्ट करे और फिर उसको स्वेल करे। ये है आपका टॉपिक कैचेस। अब नेक्स्ट आता है मोल्डेड टैबलेट और टैबलेट फिल्ट्रेट्स पीटी। मोल्डेड टैबलेट समझते हैं आप, जो मोल्ड के अंदर पड़ती है, मोल्ड में सांचा, जैसे ही मोल्ड की शेप होगी वैसे टैबलेट की शेप होगी। तो ये क्या होती है, स्मॉल डिस्क शेप
जैसे शेप की छोटी छोटी टैबलेट होती हैं मेड बाय फोर्सिंग सॉफ्ट मास इनको कैविटीज और मोल्ड मोल्ड की कैविटीज में सॉफ्ट मास को हम डालते हैं फोर्स करते हैं ठीक है और फिर इन्हें टैबलेट जो आपकी फॉर्म हो जाती है कैसे कि जो मोल्ड आपने लिया उसके अंदर हम टैबलेट का जो मटीरियल है उसको रेडी करके सॉफ्ट मास को बना के उस मोल्ड के अंदर डालते हैं ठीक है और प्रोजेक्टिंग पैड्स होते हैं जब वो निकलते हैं प्रेस करते हैं तो मटीरियल आपका टैबलेट के फॉर्म में नीचे गिरता है। ये कहाँ यूज होती है टैबलेट ये जनरली पोटेंट मेडिसिन पोटेंट आपको मैंने बताया था कि जिनकी डोज 1 ग्रेन और 65 mg से कम होती है उन ड्रग्स के लिए जहाँ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस उनके लिए हम इस फॉर्म में टैबलेट्स को फॉर्म करते हैं। क्या किया जाता है कि आपकी जो ड्रग ली जाती है साथ में उसके डाइट में ऐड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज है लैक्टोज है लैक्टोज इज मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट डाइट ये वाइट कलर का होता है पहली बार ये इनर्ट होता है टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो स्टेबल होता है इसलिए हम मोस्टली लैक्टोज को यूज करते हैं ना ही ये ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। डायमंड के साथ मिक्स करके आप थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं अच्छे से मिक्सिंग करते हैं आपका वेट कोऑर्डिनेटेड मास बन जाता है सॉफ्ट मास बन जाता है। अब ये जो मशीन होती है इसका भी डायग्राम आपके यूज में दिया गया है। इस मशीन में जो एक प्लेट होती है उसमें क्या होते हैं होल्स होते हैं और जितने होल्स होते हैं मान लो 50 होल्स हैं तो दूसरी तरफ जो आपकी प्लेट है अटैच होती है दोनों प्लेट्स जो दूसरी प्लेट होती है उसमें होल्स वाली प्लेट के ऊपर सुपर इम्पोज करना होता है। अगर 50 होल हैं तो 50 ही प्रोजेक्टिंग पैड्स होंगे उसके अंदर लगे ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं जो होल में से पास होती हैं ठीक है। तो आपने क्या करना है जो सॉफ्ट मास बनाया है उनको उस मास को उन होल्स के अंदर फिल कर देना है ठीक है स्पैचुला की हेल्प के साथ सॉफ्टली उसके अंदर फिल कर देना है। अब क्या करना है वो जो दूसरी प्लेट होगी मशीन की उसको पास में लाना है हल्के प्रेशर के साथ आपने वो प्रोजेक्टिंग पैड्स को उन होल में से पास करना है। क्या होगा आपकी जो टैबलेट होगी जो वो शेप होगी जैसे डिस्क शेप है तो वन के वो नीचे गिरती रहेगी नीचे क्लीन आपने क्लोथ या पेपर के ऊपर उसको आपने क्लीन सरफेस के ऊपर उन टैबलेट्स को कलेक्ट कर लेना है और फिर उनको आपने वार्म प्लेस में ड्राई कर लेना है। जो अल्कोहल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी जो टैबलेट न्यूट्रिएंट्स हैं या मोल्डेड टैबलेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। आजकल मार्केट में इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स भी आ रही हैं ऑटोमेटिक टैबलेट न्यूट्रिएंट मशीन और इनका प्रोडक्शन रेट क्या है 2500 टैबलेट न्यूट्रिएंट्स पर मिनट क्लियर सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद आती है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू स्किन डर्मिस्टर्म आ गई ठीक है ग्लो स्किन तो ये कौन सी होती है सॉफ्ट रेडिली सॉल्युबल टैबलेट फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू इंजेक्टेड सॉफ्ट टैबलेट बनाई जाती है और इनके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है वो सारा सॉल्युबल होता है यानी वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर सॉल्युबल मटेरियल होता है और ये टैबलेट किस काम आती है इंजेक्शन के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। इनमें हम कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डालते हैं जो इनसॉल्युबल मतलब ये क्या टैबलेट्स होती हैं कि आपने सॉफ्ट टैबलेट्स बनाई हैं कैसे डिस्पेंस होती हैं साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन ठीक है। जब पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है तो टैबलेट को वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है शेक किया जाता है क्लियर सॉल्यूशन रेडी हो जाता है और उसको आप सिरिंज के थ्रू लेके पेशेंट को इंजेक्ट करते हो। ये पहले काफ़ी पॉपुलर थी पहले मार्केट में ही काफ़ी ट्रेंड था बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका डिसएडवांटेज सामने आ गया कि इसमें आपको पता है इंजेक्शन जो है स्टरलाइज प्रिपरेशन है ठीक है तो इस टाइप की जो फॉर्मुलेशन है इसमें स्टरलिटी जो है इफेक्ट होती है स्टरलिटी जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इंजेक्शन की पेरिनेटल प्रिपरेशन की। तो इस तरीके से जैसे आप अपने हाथ से टैबलेट अगर टच करते हो तो अपने हैंड के जो जर्म्स हैं आप उसके अंदर ट्रांसमिट कर देते हो तो इसलिए आजकल ये जो डोजेज फॉर्म है इतनी पॉपुलर नहीं रही है आजकल रेडी टू यूज इंजेक्शन आ गए हैं जहाँ वायल के अंदर पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आ रहे हैं वाटर फॉर पेशेंट्स के अंदर सिरिंज से आपको डालना है और शेक करना है और उस तरीके से आप इंजेक्शन को तैयार करते हैं। लास्ट है आपकी डिस्पेंसिंग टैबलेट्स
डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या है, प्रिपेयर फॉर प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एंड कन्वीनियंट क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग, ठीक है, दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड रेडली इन कंपाउंडिंग अदर डोजेस फ्रॉम लाइक टैबलेट्स, सॉरी लिक्विड्स, पाउडर्स एंड कैप्सूल्स। ये क्या है पोटेंट ड्रग? आप जानते हैं इम्पोर्टेंट ड्रग की डिस्पेंसिंग बड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि डोज बहुत कम है। तो ये क्या करती है, एक्यूरेट और कन्वीनियंट क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंट ड्रग को प्रोवाइड करती है, बट पेशेंट को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती है। ये कहाँ प्रोवाइड करती है, ये अदर डोजेस फॉर्म को जो है कंपाउंड करने के लिए, जैसे कोई लिक्विड बनाना है, कोई पाउडर बनाना है, या कैप्सूल बनाना है, तो इम्पोर्टेंट ड्रग की अगर डोज कम है तो हम उनको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इनकी जो कंपाउंडिंग के लिए उसको यूज करते हैं। ये टैबलेट कभी भी पेशेंट को डायरेक्टली हम नहीं देते हैं, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट मेंट टू बी डिस्पेंस टू द पेशेंट, ये सिर्फ जो है आगे और डोजेस फॉर्म को कंपाउंड करने के लिए एक्यूरेट एंड कन्वीनियंट जो है फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको गलती से भी पेशेंट को अगर दे देंगे तो ये फैटल पॉल्यूशन होगी, इसलिए इनको बहुत केयरफुली आपने एडमिशन करना है, इसलिए लैब में करना है, इसलिए टू कंपाउंड अदर डोजेस फॉर्म, जैसे लिक्विड बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए या कैप्सूल बनाने के लिए। इसके साथ पाउडर की कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन, उसकी टाइप, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, आगे कुछ नहीं है, आगे सारा जो आपकी बुक में दिया गया है वेइंग प्रोसीजर है। ये वेइंग प्रोसीजर फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जो डिस्पेंसिंग बैलेंस वगैरह चलाने सिखाए थे तो सारा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि प्रॉपर इनोज और बैलेंस कैसे है, कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है, कैसे बैलेंस को हैंडल करना है, कैसे डील करनी है, क्लियर। इसके साथ अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पाउडर्स, उसका थ्योरी पोर्शन कम्प्लीट होता है। अब प्रैक्टिकल्स में आपके जो है हम पाउडर स्टार्ट करें हैं, मैं आपको पाउडर जो है डिस्पेंस करके दिखाऊंगी, उसकी डेमो दूंगी और आपने अपनी फाइल्स जो है बनानी स्टार्ट करनी है। फाइल्स में क्योंकि आपको फ्राइडे का दिन दिया गया है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप स्टूडेंट फ्राइडे को आइए, फिजिकली हमें मिलिए, हम आपको सारा समझाएंगे। कोई कंफ्यूजन होती है तो आपके जो डाउट्स होते हैं फाइल से रिलेटेड वो आपने सारे क्लियर कर लेने हैं आपको। और आपको एक चीज और, क्योंकि स्टूडेंट्स में आपके 100 प्रैक्टिकल्स हैं तो फाइल जो लेनी है आपको बहुत थिक वाली, बहुत मोटी वाली लेनी है, कम से कम 2 फाइल्स में आपका सारा सिलेबस आ जाए, ठीक है। अब आपने साथ साथ फाइल भी रेडी करनी स्टार्ट कर देनी है। थैंक यू।